अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ चिकन स्पाइरल ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है पर यह बनाने में सिंपल चिकन ब्रेड से ज़्यादा इजी है एंड आई एम गोना बेक इट ऑन स्टोव विदाउट ओवन सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी सबसे पहले मेरे पास इंस्टेंट यीस्ट है वन टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट नीम गर्म पानी में डालना है इंस्टेंट यीस्ट नहीं है तो आप सिंपल यीस्ट भी यूज़ कर सकते हैं हाफ टी स्पून सॉल्ट है और वन टी स्पून शुगर है इन सब चीज़ों को पानी में डाल के मिक्स करके उससे मैदा गूँद लेना मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसी पानी में सारी चीज़ें डाल रही हूँ नीम गर्म सा पानी है बस ठंडा पानी नहीं होना चाहिए वन टेबल स्पून ऑयल है हल्का सा स्टर करने के बाद बस चीनी घुल गई और रख दिया दस मिनट बाद आप देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा फूल चुका है यीस्ट इसमें पहले आधा पानी डाल दिया आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के मैदे में मिक्स कर लिया एकदम सारा पानी मैदा गूँधते हुए नहीं डालना चाहिए अब यहाँ पे मैंने एग वाइट डाल दिया एग योक में आगे रेसिपी में यूज़ करूंगी आप चाहें तो पूरा अंडा डाल दें कोई मसला नहीं है और इसको ऐसे स्पैचुला या चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद आपने इसको प्रॉपर गूँ है गूंदने के लिए आपने ये करना है अच्छा जो रिमेनिंग पानी था वो भी अब मैंने डाल दिया और अब मैं इसको अच्छी तरह हाथ से गूंद लूँगी ये गूंदने का जो टोटल टाइम है ये कोई पाँच से सात मिनट है और मैदा आपको पता है थोड़ा स्टिकी होता है और ये हमने थोड़ा स्टिकी ही रखना है उसकी वजह यह कि हमने इसको नरम गूँधना है आप जितना नरम मैदा गूँधेंगे उतनी अंदर से सॉफ्ट ब्रेड होगी और थोड़ा सा ज़्यादा स्टिकी लगे आप ऑयल यूज़ करें जैसे मैंने ऑयल यूज़ किया और इसको आप अच्छे तरीके से बना गूंध लें और एक स्मूथ डो रेडी कर लें अब ये बिल्कुल स्मूथ डो रेडी हो चुकी है और इसको हमने क्या करना है कि ऑयल लगा देना है बर्तन में भी और थोड़ा डो में भी और ऑयल लगाने के बाद हमने इसको ढक के रख देना है और जिस दौरान हम अपनी स्टफिंग रेडी करेंगे स्टफिंग के लिए मेरे पास कुछ छोटे बड़ी कटी हुई चिकन की स्ट्रिप्स हैं और चीज़ है और ये शिमला मिर्च और प्याज़ है बारीक लंबा कटा हुआ चीज़ आप जो सी भी चाहे यूज़ करें आई यूज मोजरेला पैन में या कढ़ाई में आप ऑयल लें और चिकन स्टिप्स को डाल दें और फ्राई कर लें भून लें नमक डाल के जब तक के कलर चेंज नहीं हो जाता कलर चेंज हो जाता है तो हम और मसाले ऐड करते हैं और जो मसाले ऐड किए उनमें चिली फ्लेक्स ब्लैक पेपर आ, इसके अलावा क्यूमिन सीड्स पाउडर है ज़ीरा पाउडर और आ, जो आ, गार्लिक है जिंजर गार्लिक पेस्ट वो है वन टेबल स्पून सोया सॉस है सिरका है ये सब डाल के अच्छे तरीके से भून लेना है हाई फ्लेम पे मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम पे भी पे ही हमने ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह सॉटे कर लेना है और ये थोड़ा जो है वो ड्राई ड्राई ना हो इस हमने दही ऐड करके थोड़ा सा इसको रख लेना है अब स्टफिंग रेडी हो गई और तकरीबन एक घंटे बाद ये डो मेरी इतनी ज़्यादा राइज हो चुकी थी और बहुत अच्छी सॉफ्ट डो जो है वो रेडी थी अब इसको ये करना है कि एक बेल के एक लंबी रोटी बना लेनी है आप शेड पे कर लें किचन के या फिर कोई बोर्ड है उस पर कर लें एक लंबी सी हमने रोटी इसकी जो है ना वो रेडी कर लेनी है तो ये आप हैंड मूवमेंट्स देख लें तरीका देख लें यह बहुत आसान है कोई इतना मुश्किल नहीं होता जैसे रोटी बनाने का तरीक़ा होता है वही तरीक़ा आपने यूज़ करना है थोड़ा खुशका डाल लें जगह को अच्छे तरीके से आप जो है कर लें क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा लंबी रोटी इसकी बेलनी है तो वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सारा जो प्रोसीजर है मैंने वीडियो में आपको शो किया आप ध्यान से देखें इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा लंबी रोटी बेलने के बाद हमने एक साइड पे सारा थोड़ी सी स्पेस वन और टू फिंगर की जो स्पेस है वो छोड़ के हमने चिकन रख लिया चिकन रख के मैं फ़ोल्ड करी थी तो आई रियलाइज के मैंने चीज़ नहीं रखी तो इस तरह की कोई गलती आपसे भी हो जाए तो परेशान नहीं होना ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं चीज़ रख के और फिर हमने इसको फोल्ड करना है वन फिंगर जो है आप उसकी वन फिंगर टू फिंगर की स्पेस छोड़ के चिकन रख लें और ये इस तरीके से फोल्ड हो गया फिर एक दफ़ा ऐसे हल्के हाथ से फिर फोल्ड करना है क्योंकि रोटी हमने बहुत नरम बेली हुई है तो ख्याल से फोल्ड कर लें उसके बाद हमने इसमें कट्स लगाने हैं अच्छा आपके पास अब पिज्ज़ा कटर है तो उससे लगा लें या छुरी से बहुत इजीली कट्स लग जाते हैं तो ऊपर से और नीचे से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के बीच बीच में आप कट्स लगा लें इस तरीके से आप सारे कट्स लगा लें कट्स लगाने के बाद हमने इसको जो रोटी है या जो रोल है उसको फोल्ड करते रहना रोल करते रहना है रोल करते रहेंगे तो जो हमने कट्स लगाए थे वो भी ऐसे ऊपर आने लग जाएंगे और एक ये बिल्कुल एक स्नैक शेप का स्पायरल हमारे पास जो है वो रेडी हो गया अच्छा अब हमने इसको आपके पास कोई भी थाली है कोई बड़ी प्लेट है स्टील की तो अदर देन प्लास्टिक कुछ है आपके पास इस तरह से प्लेट टाइप या पिज़्ज़ा ट्रे कुछ भी या अगर आपके पास अगर है ना केक आ, केक जो है बेक करने वाला जो हमारा पैन होता है तो आप जो केक का मोल्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं केक के मोल्ड के अंदर आप जो है इसको ऐसे रख लें तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया अपनी पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर इसी तरीके से आप ऑयल लगाएं अपने केक के मोल्ड के अंदर और इस तरीके से सारी ब्रेड आप रख दें असल में ये मैदा है और ये फूलेगा बेकिंग के दौरान तो इसलिए जो है इस मैंने थोड़ी सी स्पेस रख दिया क्योंकि ये फूल के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अच्छा अब इसको प्यारा सा कलर देने के लिए जो एग योक थी उसको बीट किया और ब्रश की हेल्प से हम इस पूरे के ऊपर इस पूरे स्पायरल के ऊपर एग योक जो है ब्रश कर देंगे वो बेक होगी और प्यारा सा येलोइश कलर आएगा फिर वाइटिश कलर नहीं आएगा ये इस अच्छे तरीके से ब्रश करने के बाद आपने एक बड़ा पतीला लेना है और उसके अंदर कोई स्टैंड रख देना है स्टैंड लेंगे तो कोई की उल्टी करके रखें और ऊपर आप अपना ट्रे या प्लेट जो भी है वो रख दें कवर कर दें और ये तकरीबन बीस मिनट बाद ये जो है इस तरीके का कलर हो जाएगा इस तरह का और ये बहुत अच्छी तरह पक चुकी होगी और मैं इसके ऊपर जो है बटर लगा रही हूँ उससे कलर भी बहुत प्यारा होता है खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और अब ये हमारी आपके देखें कितनी ज़्यादा ब्रेड हमारी फूली है और ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ये दिखने में ना सिर्फ प्यारी है बल्कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और आपकी मर्जी है आप स्टफिंग चिकन की रखें मिन्स्ड बीफ की रखें मिन्स्ड चिकन रखें जो स्टफिंग आपको पसंद है वो रखें मैंने इसके ऊपर कुरगेंडर लीव्स चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो स्प्रिंकल किया और ये देखें कितनी सॉफ्ट और प्यारी जो है बन के रेडी हुई है आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें बहुत इजी रेसिपी है और काइंडली लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द फन एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल टेक केयर अल्लाह